बॉलीवुड के सबसे सफल गायकों में से एक सोनू निगम ने कई तरह के गाने गाए हैं, लेकिन उनके पसंदीदा गाने दीवाना तेरा, दिल ने ये कहा है दिल से, अब मुझे रात दिन और साथियां है। हाल ही में उन्होंने ईश्वर का वो सच्चा बंदा जारी किया है। सोनू निगम कहते हैं ये ट्रैक वैष्णवजन का हिंदी अनुवाद है, जिसे भारत में ज्यादातर लोग आसानी से समझते हैं। वैष्णवजन एक गुजराती गीत है, इसलिए ये भाषा केवल गुजराती बोलने वाले लोगों तक सीमित हो जाती है। अब ये गीत सभी के लिए है। आइए देखते हैं सोनू निगम का वो वीडियो जहां पर वो इस गाने से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, आज पहली बार इतना आउटडोर में दुबई के इसमें शूटिंग कर रहे हैं। लुक एट द बैकग्राउंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी भी अपने रूट्स को नहीं भूलता, अपनी जड़ों को हमेशा याद रखता हूँ। और जब मैं नया नया आया था सिंगर बनने के लिए, तो टिप्स म्यूजिक कंपनी, रमेश तोरानी जी एंड कुमार तौरानी मेरी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने टिप्स के लिए गाए हैं। तो जब मुझे कुमार जी ने कहा कि एक गाना करना है, गांधी जी की प्रेयर वैष्णव जन तो तेने कहिए इतनी जग प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसको समझना नहीं आता होगा क्योंकि वो गुजराती में है। तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसी गीत को हिंदी में परिवर्तित किया जाए। और शमीर टंडन जी जो कि मेरे बहुत अच्छे सोलमेट हैं, और उन्होंने मुझे ये पेशकश की। फिर मेरे कुमार जी से बात हुई, और उसके बाद में शमीर जी भारत के लेजेंडरी गीतकार हैं, उन्होंने इस गीत को लिखा और मैंने अपने घर के स्टूडियो में इसे गाया, और फिर इसे हमने शूट किया। उसके शूट के आप ग्लिम्प्सेस देख रहे हैं। फहद भट्टी हमारे मित्र हैं, जिन्हें मैं आदिल फारूक की वजह से मिला, उन्होंने सब संयोजित किया। इतनी खूबसूरत जगह है मेरठ। बचपन से ही महात्मा गांधी जी की जब ऑटोबायोग्राफी मैंने पहली बार पढ़ी थी, मेरी कहानी नाम था उसका, मुझे याद है। मैंने 4 बंगलों से एक दुकान से ली थी। उस किताब को पढ़ के मुझे खास लगाव हो गया था महात्मा गांधी जी से, और अब उनका ये इतना खूबसूरत सा भजन मुझे गाने का मौका मिला है। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी शूटिंग हो भी चुकी है, रातों को हो रही है यहाँ पे और दिनों में हो रही है। ये मेरा पोर्शन यहाँ पे शूट हो रहा है आज। बहुत दिनों से कुमार तौरानी जी वेट कर रहे थे इस वीडियो शूट का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया खोल रही है, तो परमिशंस मिलने में हल्की कभी कभी टाइम लगता है। ये जो भी करेंगे, जो भी करना था वो समझदारी से करना था और फुल परमिशन के साथ में करना था। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एमिरेट्स। और मुझे अभी गाड़ी में बैठे हुए एक बंदिश याद आई। आई थिंक अहिल्या बिलावल की है शायद, आई कुड बी वेरी वेरी रॉन्ग, बट गुलाम उस्मी खान साहब मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे सिखाई थी। निजा दामा पागामा निदामा बादामा गदा निजा साने दाबा मगरेसा। It could be something else also. अब याद है इसका अंतरा था गामा निजा जा 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 तेरे द सारा मगनी निजा साने साने दानी दाबा मगरे गमरेसा निजा गामा पागामा निदामा बादामा गदा निजा साने दाबा मगरेसा। शूटिंग चल रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग बंदिशों में या गाने में लगे रहते हैं। आई होप ऑल ऑफ यूर गुड। और मैं इसके बाद में ब्लॉग डालूँगा बाद में। अभी सिर्फ ईश्वर का वो सच्चा बंदा जो पीर पराई जाने, इस गाने को हम लोग शूट करें। बाकी बस वीडियो आने वाला कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं।